भाजपा कार्यालय के बाहर से, जहां पर जो सुरेंद्र चौधरी जी है वो पहुंच चुके हैं यहां पर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। और चलिए आपको बहुत पास से जो है वो तस्वीरें दिखाते हैं और ये जश्न जो है वो उन्हीं के लिए। मैंने परसों आपको कहा था नवरात्रों को कि दो दिन ठहर जाइए, तो दिन आ गया है, तो अब थोड़े आप चंद मिनट ठहर जाइए। आपने कहा अभी थोड़ा टाइम है, कहना कि आज ठंड रखो, ठंड सब कुछ दसंगा, ठहरो तो हूं थोड़ा जा, जिन्ना इन्ना वेट कर, साल वेट किया तो दो मिनट और कर लो। आम जनता ने आपने कहा था जब भी आम जनता जो बोलेगी मैं वो करूंगा, नौशहरा की समय सोच क्या कह रही है, नौशहरा के लोग क्या कह रहे हैं? नौशहरा के लोग ये आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सुरेंद्र चौधरी को लीडर बनाया, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरे दुख और सुख के साथी रहे हैं। तो लिहाजा ये तो आज चंद लोग आए, हजारों की तादाद में लोग नौशहरा खड़े हैं जो जब हमें नौशहरा जाऊंगा जो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। भाजपा हेडक्वार्टर्स के बाहर से दिखा रही हूँ जहाँ पर एक बड़ा चेहरा सुरेंद्र चौधरी जी जो है वो पहुंच तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक अहम चेहरा जो यहाँ पर पहुंचे हैं। और काफी देर की अगर मैं बात करूँ, ये क्या लगाए जा रहे थे कि जो है वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन भाजपा ज्वाइन करने में जो है बहुत वक्त लग गया। ये तस्वीरें जो है, ये मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। जब हम पीडीपी कार्यालय में थे, जब हम पीडीपी कार्यालय में थे तब आपने देखा कि लोग कह रहे थे कि हम जो है पहुंचे हैं, क्योंकि नौशहरा जिस तरह से बात करें एक बहुत अहम स्थान है सुरेंद्र चौधरी जी के लिए भी, और वहीं से अगर हम बात कहें तो वो जीत कर भी जो है वो आए थे, तो इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम भारत कुमार है, मैं 80 मोर्चा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं फ्रॉम बीजेपी। सर कहां से आए? मैं नौशहरा से हूं। सर नौशहरा से आए, अगर नौशहरा के लोगों की बात करें क्या वो इनके इस फैसले के साथ सहमत है? बिल्कुल सहमत है जी, जो नहीं थे वो भी सहमत है जी। देखो आप सब लोग कांग्रेस के, पीडीपी के सब लोग इनके साथ चल रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी जो है हर लोग जो भी है बड़े बड़े लीडर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और चौधरी साहब भी शामिल हो रहे हैं, सब लोग साथ हो रहे हैं। शामिल हो रहे हैं और आगे जो है बढ़ सकता है।
बिल्कुल मेन एंट्रेंस से एंट्री होते हुए भी आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मेन एंट्रेंस से ऊपर जाते हुए भी वो यही कह रहे हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको ऊपर लेकर चलेंगे और ऊपर की तस्वीरें भी दिखाएंगे। बिल्कुल आपको ऊपर की तस्वीरें भी दिखाएंगे और ये जो लोग हैं ऊपर की तरफ जाएं तो वहां से जो है आपको बिल्कुल विजुअल्स भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि आफ्टर ऑल यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे और मेन एंट्रेंस से एंट्री होते ही उन्होंने ये कह दिया कि अभी भी मैं कुछ नहीं कह सकता, यानी मेन एंट्रेंस को पार करते हुए भी तो खुशी से जो है वो खामोशी थी जनता, हालांकि उनके जो चेहरे की स्माइल है यानी उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है उससे जो है समझ चुकी है कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग जो है वो नौशहरा से और बहुत दूर दूर से जो है उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको सीधा भाजपा कार्यालय के अंदर ही जो है वो दिखा रही हूँ। और तस्वीरें ये बिल्कुल भाजपा कार्यालय से अंदर, और काफी वक्त लगा दिया, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग से ही कहा कि काफी वक्त लगा दिया उन्होंने भाजपा में ज्वाइन होने से, जब उन्होंने रिजाइन दिया था तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीधा वो जो है बीजेपी में जाएंगे, लेकिन पीडीपी के बाद जो अगर बात करें तो सीधा भाजपा में आए और ये कयास बहुत पहले ही लगा दिया गया था कि वो यहीं पर आने वाले हैं। और लेकिन ये जिस तरह से ये तस्वीरें हैं, आज उन्होंने कहा कि नवरात्रों का शुभ दिन जो है वो मैंने चुना है भाजपा में ज्वाइन करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज एक बहुत अहम चेहरा जो है वो भाजपा में शामिल हो रहा है? जी हाँ, और बहुत चेहरे अभी ज्वाइनिंग हो गए, अभी आगे देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है तो इसलिए बहुत चेहरे अभी हो रहे हैं। क्या लगता है ये जो अहम चेहरे हैं मदद करेंगे 55 प्लस का टारगेट पूरा करने में? जरूर करेंगे, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से भाजपा की पार्टी पसंद आने से भाजपा में आए हैं, इनका जोरदार स्वागत है हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की ओर से। बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने, बट कोई वक्त नहीं है, आपको पता कि किसी का जब राजयोग होगा तो तभी आएगा ना, ऐसे थोड़ी आ सकता है वो राजयोग। आप कितने खुश हैं उनके यार, चल है आपको भी बधाई है जो आप कवर कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा ऊपर जाके दिखाते हैं कि चलिए नवरात्रों का वो शुभ दिन जो है उन्होंने वो चुना है, और ये सब लोग जो मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार आप चलते जा रहे हैं, जो ये लोग ये सीधा जो लोग हैं ये कई लोग जो है नौशहरा से भी आए हैं, और उनका ये कहना है कि अभी जिस तरह से मैं साथ आया हूँ और बहुत से लोग जो है मेरे आने के साथ साथ जो है इस पार्टी में जो है जाएंगे, जो जनता हमारे से जुड़ी है वो भी कमेंट बॉक्स में जो है अपने सुझाव जो है वो शेयर कर सकती है। और ये तस्वीरें जिस तरह से हम आपको दिखा रहे थे कि जिस तरह से हम बात कहें रविंद्र राणा जी की बात करें तो और भी जिस तरह से बहुत से लीडर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ पहुंची है, और काफी ढोल नगाड़ों से जो है वो उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है, और खुद भी जो मेन एंट्रेंस से एंट्री करते हुए आपने देखा कि पनामा चौक से जो है वो मीडिया वाइट यहाँ पर देते हुए पहुंची, और उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट में जो है ये छवि जो है वो साफ होगी, लेकिन अंदर भी आते हुए उन्होंने यही कहा। अंदर की बात करते हैं, अंदर भी आते हुए उन्होंने यही कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, और आज एक बहुत अहम चेहरा जो है वो भाजपा का दामन थाम रहा है, और तब से लेके अभी तक अगर बात करते हैं पहले से लेके अभी तक एंट्रेंस होते हुए भी उन्होंने यही कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, थोड़े समय के बाद जो है वो छवि साफ होगी, तो आप खुद ही देखिएगा कि क्या कुछ उन्होंने कहा, और उनसे जो है कुछ सवाल भी रहेंगे। तो ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्मा बुलेटिन, आशिया खान के साथ अल्लाह हाफिज़।